ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। रेसलर अमन सहरावत ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। भारत को छठा मेडल ये मिल चुका है। तो बता दें कि 13-5 से मुकाबला जो है वो इन्होंने जीत हासिल की है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भारत के नाम एक और मेडल आया है। ये छठा मेडल जो दिलाया है वो है रेसलर अमन सहरावत, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुश्ती में अमन सहरावत ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बता दें कि 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और भारत को ये छठा मेडल इस पेरिस ओलंपिक में 13-5 से इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। पटना से बड़ी खबर है जहां डीआरआई पटना टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। विदेशी मुल्क के सिगरेट की बड़ी खेप जब्त की गई है। परसौनी खेम टोल प्लाजा के पास से ये जब्त की गई है। सिगरेट से भरे कंटेनर ट्रक को जब्त किया गया है। 3,74,000 सिगरेट की खेप जब्त हुई है। जब्त सिगरेट की कीमत 63,58,000 रुपए बताई जा रही है। ड्राइवर और खलासी की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की जांच जारी है। तो ये डीआरआई की बड़ी कार्रवाई पटना में हुई है जहां पर विदेशी मुल्क के सिगरेट की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि सिगरेट से भरे कंटेनर ट्रक को जब्त किया गया। परसौनी खेम टोल प्लाजा के पास से ये जब्ती हुई है। कीमतों की अगर बात करें तो 3,74,000 सिगरेट की खेप जब्त की गई है। बता दें कि जब्त सिगरेट की जो कीमत है वो 63,58,000 रुपए है। संख्या की अगर बात करें तो 3,74,000 सिगरेट की ये खेप है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, डीआरआई ने कैसे कार्रवाई की, क्या अपडेट? डीआरआई लगातार राहुल सोने की तस्करी का खुलासा करती रही है और इसी कड़ी में डीआरआई टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पटना के निकट जो टोल प्लाजा है वहां पर विदेशी मूल का सिगरेट, चाइनीज सिगरेट बताया जा रहा है और बड़ी खेप जैसा कि आपने बताया 3,74,000 इसकी क्वांटिटी है नंबर ऑफ सिगरेट की और बाजार मूल्य इसका 63,59,000 रुपए है। दो शराब जो सिगरेट के तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, ड्राइवर और खलासी कंटेनर के ये बताए जा रहे हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। जो ये कंसाइनमेंट आया है ये कहाँ ले जाना था, किन्हें देना था और निश्चित तौर पर जो डीआरआई के अधिकारी है उनका दावा है कि एक बड़ा नेक्सस है और इसमें जो भी लोग हैं इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। आज वायनाड दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे कन्नूर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बता दें कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा होना है।